भक्त बन के डोल रहा है अपने है, प्रचार करता है कि नहीं मैं तो बहुत सक्सेसफुल उनके लिए भगवान और भी बड़ा दंडा सोच के रखे यही प्रमाणित हम देखें गुरु महाराज के चरण में जो अपराध हैं, कुछ लोग हैं बहुत प्रतिष्ठित है व्यवहारिकता में बहुत प्रतिष्ठा या व्यवहारिकता में मिल रहा है उनके लिए बहुत बड़ा दंड सोचे क्या पता हम अपने जीवन में देखे या ना देखे हो सकता है कोई और दूसरे जीवन में हो जैसे गांधारी के लिए सोच रखे थे भगवान इतनी जीवन के बाद उसको दंड मिला सोचो जिसकी जिसकी पुत्र का छाती को चीर दिया जाए उसका लहू पी दिया जाए उसके मां के सामने कितना ना कष्ट होगा उस मां को दुर्योधन के अंतिम संस्कार में मैंने अंतिम सयास मैंने मरने से पहले वो चिल्ला रहा था गिड़गड़ा रहा था वो कुछ नहीं कर पाई वो गांधारी कुछ नहीं कर पाई खून का आंसू रोई तब भी कुछ नहीं कर पाई वो है नहीं कितना कष्ट मिला गांधारी जैसा कष्ट किसी माँ को ना मिला होगा आग के सामने जवान पुत्र सो लोग मर गए बेटी विधवा हो गई इतना ना बड़ा दंड सोचे थे सोचो अगर अज्ञानता में मद के कारण अंडा को फोड़ दिया वो अंडा को फोड़ दिया सो अंडा को कछुआ को मद के कारण राज मद के कारण राजकुमारी इतना का दंड इतना विचार किए भगवान और हम सोचो कोई वैष्णु को द्रोह किए होंगे शुद्ध भक्त को अपराध किए होंगे भगवान छोड़ेंगे तो इसलिए समय रहते रहते भी प्रायश्चित कर ले या और कोई अपराध ना करे भगवान ऐसा नहीं क्रूर है भगवान करुणा के सिंधु है राधा रानी कृपा में ही है दयामयी है अब और ना करे प्रायश्चित का अर्थ नहीं कि वास्तविक तो वो क्यों हो गया उसके लिए जीवन को अतिवाहित कर दे नष्ट कर दे नहीं प्रायश्चित का अर्थ है लाइफ टाइम वो गलती ना करना जीवन भर वो गलती ना करना यह है प्रायश्चित प्रायश्चित कर अपराध मैं, मैं हो गया मैं तीन दिन भूखा नहीं रहूंगा ए भूखा रहूंगा कुछ नहीं होगा उस भूखा रहने से हो सकता है कुछ हद तक इंद्रिया दमन हो जाए सही बात है लेकिन पुनः वो जागृत होगा तो पुनः अपराध करेगा प्राथ संकल्प ना करे ना विकल्प करे निश्चय कर ले गुरु कृष्ण के चरणों को, को लेकर के मैं जीवन भर किसी को कष्ट नहीं दूंगा